मैं जस्ट हम आए जो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देंगे कच्चे एग और मिल्क। बर्ड्स लेके आए थे वो दोनों सही है, अभी बहुत अच्छी तरह से खा पी भी रहे हैं। मैंने उनको चावल दिए थे बॉयल वाले, क्योंकि ये मुझे लगता है ये खेतों में रहने वाली चिड़िया हैं, तो इनको बाजरे वगैरह जवार ये शायद पसंद होगी। और मैंने ये भी सोचा है कि एक्चुअली इनको यहाँ छोड़ना सही होगा नहीं होगा पता नहीं, यहाँ की चिड़िया अलग है और वो वाली अलग है। तो मैंने ये सोचा जब हम स्वीटी और क्या नाम था मेडी को या तो छोड़ने जाएंगे तब वापस ले जाएंगे और उसी जगह के आसपास छोड़ देंगे जहाँ से वो हमें मिले थे, तो उनके लाइफ में कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, हमें भी थोड़ी सेवा करने का मौका मिल जाएगा, थोड़ा बच्चों को साथ रहने का मौका मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और वापस फ्री भी कर दिया जाएगा। क्योंकि पिंजरे में रखना ये तो एक तरह से जिंदगी से बचा के जेल करना हुआ और मैं जेल नहीं करना चाह रहा उन लोगों को। तो जब हम वापस जाएंगे या वो लोग आएंगे तो उनको दे देंगे, उनको तो देखने मतलब हमें ही जाना पड़ेगा, हम जाके उनको वहाँ इन दोनों को छोड़ के भी आएंगे और रास्ते में उनको भी आजाद करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। ये पेस्ट अब ऐसा बन गया है कुछ, और ये ब्रेकफास्ट भी आप लोग दे सकते हैं, बहुत ही पावरफुल ब्रेकफास्ट है, कच्चे एग और ये कच्चा मिल्क काऊ का। अब इसमें पानी मिलाना जरूरी है क्योंकि ये इनको पचेगा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पानी लाओ, चलो बार। पहले मैं गिर भी गए, नौ बाहर। टाइगर लड़ाई सोचता तो दांत लगा रहा फालतू का खेल में। ये चिंकी कितनी मस्ती खोल रहा है, ना। और सिम्बा को देखो, नो। क्या कर रहे हो तुम जुएड़ा? क्या मैटिंग के लिए तो पकड़ के मार रहा उसको है। आपने देखा ये देखो चिंकी को हटाना इसलिए जरूरी है कि तूफान देखो मस्ता जो नो अंदर कोई नहीं जाएगा नो जल्दी आओ। ये है ना जूही, इसके साथ खेल रहा मर्फी के साथ और मर्फी को पसंद नहीं है वो सब। चलो बाहर चलो ना। इनकी जो सुबह की जो एनर्जी होती ना उसे कैच करना बहुत पावरफुल, बहुत मतलब मुश्किल की बात है। मतलब इनकी एनर्जी अभी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा तेज रहती है, उस वजह से झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है मेल में। वहाँ देखो पूरा झुंड बना रखा है, इसे देखो खुश तो इतनी है। हाँ चलो उधर बंद कर दे। मर्फी खुद परेशान है, ये चिंकी को ढूंढना चाह रहा है पर चिंकी इसको दिख ही नहीं रही है, कहीं नहीं दिख रही है चिंकी। इतने सारे डॉग्स हो गए, इतनी स्मेल हो गई, अब मिली चिंकी। मैंने कहा था ये चिंकी को ढूंढ रहा है, परेशान हो गया चिंकी के चक्कर में, ढूंढ रहा था जो देखा आपने। और आज जूही की और मर्फी की फाइट हो जाती, क्योंकि इसमें जूही ने सेम ये हरकत की थी, ये जो इसके साथ कर रहा है वही जूही ने इसके साथ की, तो इसको कितना बुरा लगा। लेकिन ये इसके साथ कर रहा है तो वो ओके है नहीं,
सुन रहा नहीं ये तो क्या ऐसा है क्या इसके अंदर? फिर उसके पीछे हो गया, फिर उसके पीछे हो गया। खुद के काम कर, पर्सनल वाले ढूंढ उसी को रहा है वो। फ्रेश वगैरह नटा तो नो सिम्बा, ये देखो ये डल रही है अभी, अपना पर्सनल काम कर रहा है, नहीं तो इतनी देर से उसके पीछे। ए चिंके, ये देखो चिंके फिर इसके सामने आ गई। और महर्फे चल, इतनी जगह कहाँ, किस किस को कहाँ कहाँ देखता रहूँ मैं। फिर कैमरा एंगल भी शिफ्ट करना जरूरी है, वहाँ वो परेशान कर रहा है जैक, अब ये जैक मार खाएगा। और इससे खुशी से जैक मत अड़, खुशी बहुत मारेगी। फिर आ गया तू इसके पास। रॉक्सी आई, रॉक्सी, ओहो रॉक्सी तो कहती पट गिर दिया। नो खुशी नो, अभी नहीं, नो बोले कोई कुछ नहीं करे। अरे यार कुछ, इन दोनों को निकालो यहाँ से, ये दोनों आपस में इतने खतरनाक। ये देख अन्नी ना, अन्नी ना, अन्नी इसको कह रही ऐसे मत कर, फाइट आएगी तो सुनती नहीं है। चिंकी को वहां भेज दे, खुशी आ, खुशी को जानते, खुशी जानते, बस बस अब सब शांति हो जाएगी। और शेरू को देखो आप, अभी शेरू इससे मार खाएगा है। हाँ प्याले वाले बना उधर, जैसे ही वो गई आप खुद ही देख लो, सिर्फ दो डॉग कम किए हमने इस ग्रुप में से और कैसे शांति हो गई, सब अपने अपने कामों में लग गए। नहीं तो फिर ये, अरे बाप रे बाप, उधम मरफीडा गए। अब देखो मरफीडो को अब अपने चीज़ें याद आने लग गई हैं, अब सुसु वगैरह याद आ रही है। इतनी देर तो उसके पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। ये लो, ये देखो, ये पड़े पड़े नवाब क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या है, ये क्या चल रहा है? शेरो, शेरुड़ा, वो मर गई वो, अरे तो गेला हो गया इसके पीछे। लव वेल, अनकंडीशनल वाला लव। सॉरी बच्चे वगैरह ऐसे वीडियो नहीं देखना चाहिए, पर यार ये तो इसके प्यार में ऐसा पागल हो रखा है, बस दोनों के दोनों अब तो इसके पीछे। और ये भी कोई कम नहीं है स्वीटी मारने वालों में से, ये समझते नहीं है। स्वीटी जब मारेगी ना, जब पता चलेगा इनको, एक में दोनों को भगा देगी वो, इतना ऐसा रखती है गुस्सा वो। तो ठीक है, बहुत टाइम बाद आई है तो पहले ये खुद यहाँ का मज़ा ले ले, उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेट करेगी। और मैडी बहुत अच्छा बच्चा है, और मैडी के पीछे जैक लग गया है। ये उसने मारना स्टार्ट कर दिया है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सुन नहीं रहा, फिर ये जबरदस्त मारेगी। देखो इसको, इसे गुस्सा आ रहा है। ये पूरा एक फेरा लेके आ गया चक्कर। वहां सिम्बा को देखो, सिम्बा के आज ओनर मिलने आएंगे। सिम्बा एक लैब्राडोर है, हो सकता है इसको घर भेज दे, क्योंकि अभी इसकी एज प्रॉपर बड़ी भी नहीं हुई और काफ़ी हद तक इसमें चेंजेस आ गए हैं। ओनर आके मिलेंगे, देखते हैं, अगर उन्हें सही लगेगा तो हम वापस भी भेज देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 30 डेज पूरा रखना पड़े। जब डॉग की एज छोटी होती है तो 20 दिन में भी काम बन जाता है, पर उसे वो सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि बड़े होने के बाद उसे वो सारी चीज़ें वापस एक बार सिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि ओनर उस टाइप से पूरा तो वैसा नहीं रख सकते जैसा हम रखते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज था ना बहुत उतना। वो तो फ्रेश ओनर होते हैं या एक दो डॉग रखे हुए भी रहते हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता। मैंने कहा था ना इसे मारेगी, और कर मार खाया सिरुड़ा, बोला ना मारेगी वो। ये
देखा देखा ये क्या लड़की है वो है। एक कोटा तो तीन दिन चार चार लग गए इसके पीछे तो। ले ये तो गिर ही जा रहा, देखो क्या कर रहा तू, तो गिर ही जा रहा है, इससे दूर रह। नो ए, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ये सब डॉग इस टाइप से क्यों कर रहे हैं अभी अभी रिसेंटली में, क्योंकि मैं मेल फीमेल सभी को साथ में ही रखता हूं, और अभी अभी ऐसा क्यों कर रहा है? और कर फिर उससे कर रहा, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मेटिंग सीजन चल रहा है दोस्तों। स्ट्रीट डॉग्स और बहुत सी फीमेल्स अभी पीरियड्स पर आ रखी होंगी, ये उनका टाइम पीरियड्स का शेड्यूल में आने वाला मंथ है, तो इस मंथ बहुत से डॉग्स खाना नहीं खा रहे होंगे, उदास बैठे होंगे और चू चू कू कू ऐसा टाइप से रो रहे होंगे, तो उसका रीजन यही है। ये इस टाइप से अभी कर रहा है ना, ये इस टाइप का करने का रीजन ये रहता है क्योंकि आपके एरिया के आसपास किसी भी डॉग को, स्ट्रीट डॉग को या आसपास कोई दूसरी भी डॉग हो, फीमेल डॉग, उसको पीरियड्स आए हैं और उसकी स्मेल आपके डॉग तक पहुंच रही है, इस वजह से वो खाना नहीं खाता है, उदास उदास हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। और अभी वो मेटिंग सीजन ही चल रहा है इसलिए ये लोग फीमेल्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका अभी वैसा मूड भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन ये आपस में नहीं झगड़े बस उतना ही। और फीमेल्स को कोई भी डॉग कुछ नहीं करेगा इस समय तो, अगर वो छोटी है तो भी कुछ नहीं करेगा, वो बोली वो मारेगी तो मार खा लेंगे, कुछ भी करेगी तो अलाउ है उसे, फीमेल्स बिल्कुल सेफ है ऐसे तौर पर, लेकिन फिर मेल मेल आपस में ना झगड़ जाए, इस वजह से फिर फीमेल्स को हटाना पड़ता है। ये देखो ये इसको घुटा रहा है, देखा, क्योंकि स्ट्रीट डॉग को आप देखा करो, एक फीमेल के पीछे 10-10 डॉग घूम रहे होते हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा घुर्राता लड़ाकू होगा वो फीमेल के पास ज्यादा रहेगा, बाकी सबको घुरा के भगाएगा, जैसे अब ये अपने आप को इससे ऐसा साबित कर रहा है और इसको घुरवा रहा है, सॉरी घुरा रहा है, और ये इसे मारे कि तू सुनता नहीं है रे, इसके टांग को क्या हुआ ऐसा पूछा था, तो ओनर जब इसे लाए थे तो इसके ऊपर कोई गाड़ी वाड़ी टैक्सी वैक्सी चढ़ गई थी, उसकी टांगे पूरी खराब हो गई थी, ओनर ने बहुत 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 मेहनत कर करके इसको एटलीस्ट खड़ा करवा दिया, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो ये मतलब उनकी भी जान है, और ये खड़ा हो गया बहुत अच्छी बात, और चल फिर रहा है, ये डॉक्टर्स की बदौलत हुआ है, उन्होंने जैसा जैसा मैम को बताया वैसा वैसा उन्होंने गाइड मतलब किया, तो ये कम से कम प्रॉपर तो नहीं लेकिन चल फिर पा रहा है, अपाइज नहीं हुआ बेचारा। अब जैक इनमें जब घूमता है तो पूंछ ऊपर की हुई रहता है, और कोई भी डॉग इस तपास से निकल जाएगा तो अब कुछ नहीं करता, सॉरी जैक नहीं गुफी। ये फिर से उसको हटाओ, अरे ये स्वीटी को हटा यहां से, स्वीटी चलो, एक बार बोलते आगे क्योंकि इसे पता है, ले पहले इसको स्वीटी को ले ले इधर, हट ऑटो को हट, रुक जा स्वीटी अभी दरवाजा खोलते हैं, स्वीटी इधर देख, स्वीटी अन्या इसको ले ले, स्वीटी को पकड़, हटो जैक जैक, स्वीटी जाएगी खाली, बस बस तू स्वीटी है क्या, हाउ 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 कर दिए बाप, किसी को नहीं छोड़ा भी, अरे किसी को छोड़ा ही नहीं, मुझे पता है, हनी के लिए ऊपर रखना भाई दूध, हनी के लिए दूध और अंडे ऊपर रखना, ठीक है, बोल दिया बोल दिया मामू, बोल दिया बोल दिया बोल दिया बोल दिया तेरा, बोल दिया बोल दिया बोल दिया, लो अब इस पर सर हो गए, और मैगी तो मारने वालों में से है, मैगी मारेगी तो बाइट निशान नहीं आने देगी, टेंशन मतलब, और आगे वाला डॉग समझ भी जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर है, लो इसे देखो, नो ए ये लड़की नहीं है, नहीं ये लड़की है, ठीक है खोलो, ध्यान रखना कोई किसी को लड़ाई नहीं करे, चला 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 सब चला सब चला सब चला 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 चला, सारे के सारे डॉग आ गए, एक भी नहीं बचा, देखा कैसे लेके आए सब कैसे भागे, अभी इसको उठा उठा के खिला फटाफट, आज ऑलमोस्ट सभी पियेंगे बनाई था देश की, वो जो फीमेलों के चक्कर में पड़े हैं उनको पिला, इसको पिला देख, नई वाली वो गई वहां, वहां एक प्याला इधर उस तरफ भी रख दे,
जल्दी रखा कर, इतना टाइम यार डॉग पीछे दबा दबा फटाफट उठाओ ना, गजब आदमी है यार, फिर खत्म हो जाएगा फिर करेगा क्या। उठती रखा कर शरीर में सुबह सुबह इनकी इज्जत से, लेटे को जो कोई कोई डॉग नहीं दिख रहा बहुत स्पीड से पी रहा है तो फिर वो खत्म कर देगा सारे प्याले। ना दूसरा पीला तो और वहां पर प्याले खाली हुए तो सब में डाल दे। फिर मैंने ज्यादा इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है ना ये टेस्ट ऐसा अपने पियेंगे ही पियेंगे, बस हट जा फटाफट हट जाए तो पीने दे। सबके साथ पीना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, आज एरोन नहीं पिए क्या बात है। दरवाजा खोल दे इनको, फ्रेश जा गेट खोल दे। जिसको भी जाना जाओ बाहर। चलो मैडी बाहर, मैडी यहाँ बाहर चलो, बाहर चलो, समझदार मैडी है। चलो बाहर, बाकी सब बाहर चलो, बाहर 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अब इसमें हमें शेरों का ध्यान रखना, और इस एक ये इसको बार बार गर्लफ्रेंड समझता है और कुछ नहीं, बाकी सबको बाहर भेज दे। और एक बार तू भी आ जा फ्रेश फ्रेश सब। ओके फ्रेंड्स, शाम को मिलते हैं।